अपार कृपा सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने रखी। पांच बारी स्टेट के मुख्यमंत्री रहे और मैनू नहीं लगता कि जिस प्रकार उन्होंने जान के बाद भी लोगों ने अफसोस जाहिर किया है, मैं समझता कि एक कर्मा वाले इंसान सा बेहद दुख है क्योंकि पंजाबी सियासत दे विच सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब पूरा बाबा मोर कहा जाता है। और मैनू चेते है एक बार उन्होंने इंटरव्यू छपी सी हिंदुस्तान टाइम्स के और उन्होंने वक् वक् वे वे लीडर साहबानों को पूछा कि फुरसत के पल तुसी जिंदगी से कितने बताओ। हर व्यक्ति दे अलग सी कि मैं कोई कहता मैं टेनिस खेलता है, कोई कहता मैं फुरसत के पल चाह कर दें। और बादल साहब ने उनका जवाब दिता सी इंटरव्यू कि फुरसत के पल मेरी जिंदगी दे विच है ही, मैं कदे फुरसत के पल बतीत ही नहीं। और बिल्कुल इस तरह ही बादल साहब का जीवन रहा। असं छोटे छोटे होंगे देखते भी रहे, सुनते भी रहे, पांच बजे आपके काम से जुट जाना। फिर कई लोग उन्होंने साथी सज्जन ने दसिया कि रात में कई गड्डी ही सौ जाते। तो मैं लगता है कि इस करके वो पंजाब के पांच बार मुख्यमंत्री बने। और दूसरी गल बहुत वड्डी निम्रता सी सरदार बादल साहब। मैं बतौर मैं याद है कि मैं ऑल इंडिया का प्रधान बनिया तो उदो पंजाब के मुख्यमंत्री सन बादल विधायक बने उदो भी तो मैनू नहीं विधायक तो पहला ऑल इंडिया का हाँ जनरल सैकटरी मैनू उन्होंने वधाई दी। हालांकि मैनू नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को किसी को इस तरह का विशेष कोई समा हो, लेकिन वो इस गल के बड़े मैं समय तक लगता कि ध्यान रखते सर। मैंने याद है एक होर घटना बारे एक किसी लेडी की गिदड़वा की ट्रांसफर हो गई। उन्होंने उम्र तकरीबन रिटायरमेंट के नेड़े सी। दिनकर नाम का एक व्यक्ति से मेरा दोस्त और सादा पोलिंग जट बनया करता सी। तो बिजली महकमे के माता जी लगे सी। जो मैं जित गया तो उन्होंने बदली करा दी मेरे ओपोनेंट ने बादल साहब ने। तो मैं चेयरमैन साहब को फोन किया, कहने मेरे लैवल का काम नहीं, तुम बादल साहब न गल कर। तो पंजाब की विधानसभा के लगी हुई सी तो मैं बादल साहब के कोले जाके मैं कह जी एक लेडी है वो कह जी जाता मैं रिटायरमेंट ले ला क्योंकि मेरे डेढ़ साल से मेरे तो जाया नहीं जाता। पूरी बंदी पठानकोट की होगी, गिदड़बा टू पठानकोट। तो नाल ही उन्होंने ओ एस डी गगन खड़ा से कहना सर कम जिच कहना भी उन्होंने कराई है। तो बादल साहब कहते काका बदली जिते बड़िंग साहब कहते उत्थे कर दौ तो उन्होंने दस दौ, उन्होंने दस दौ जो भी मैं क्या योजे काम च ना। सो मैं समझना कि अज जिथे सियासत दे विच बहुत ही सियासी लोगों का कदर कीमत डिग पी ने और बहुत ही असी निचले स्तर की जी सियासत वो कर लग पे। अक्सर जो संगत दर्शन होंगे चल जाते कई बार इलेक्शन देखने वाला होंगे किस तरह की प्रतिक्रिया होती चेकबुक भी रखते। देखो मैं तो उदों भी आपका किमें प्रपेयर होके गया से मैनू पता है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल कितने ना कि संगत दर्शन च मैं सवाल करता होव तो मैं कह कि नहीं मेरे ना गड्डी बैठ क्योंकि उन्होंने इस तरह की बिरती सी, इस तरह का उन्होंने सिस्टम सीगा। कई बार असी पंजाब की विधानसभा कई बार उन्होंने घर के बाहर धरना ला लिया। एक बार घर के बाहर तो कहते भी उन्होंने पोलीटिकल वो प्रिंसिपल सैकटरी आया कि थोड़ा बादल साहब ने बुलाया तो असं आख्या भी असं नहीं बादल साहब को मिलते। तो सरदार प्रकाश सिंह बादल 15 मिनटों बाद आप चल के आ गए। कहते काका मैं पता है तुम नाराज़ हो तो मैं ही आ गया, दसो की गल है। सो ये गल निचले लैवल पर मैं समझना कि परिवार के गल आई नहीं, नहीं तो अज कि ना कि हाँ जी बादल साहब बहुत बड़े गिदड़बा नुमाइंदगी करते रहे। बहुत आम लोगों के बादल साहब अक्सर ही लोग सानू बादल साहब दी गल्लां दसदे आ कि बादल साढ़े को आता से असं बादल साहब को पिनी खवाते कहते यार पिनिया खवा सीखा यार तेरे मतलब कि बहुत जिहड़ा निघा सुभा सरदार प्रकाश सिंह बादल का सी। उन्होंने आपकी यारी भी कई थावां ते निभाई, आपकी यारी के बारे हरचंद सिंह बराड़ ते उन्होंने रिश्ते बारे उन्होंने कई बार विधानसभा नहीं तो अज फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत सारिया गल्लां अज लीडर लुकवा के रखते हैं दिल के।
अफसोस यह है कि पार्टी के अगले लोग उन्होंने जी विरासत सी वह अगे नहीं लैके जा सके। लेकिन बहुत वड्डा मैं समझता मैं तो उन्होंने तो जे कोई मैं सीध लेना तो मैं कहना कि बहुत सहनशीलता व्यक्ति रखनी चाहिए। मैं लगता कि बादल साहब को कई बार कोई अपमानजनक शब्द भी कह गया। साढ़े उत्थे एक कहावत है अक्सर ही सुनते हैं लोग, कहता जी बादल साहब को आके नाल आला कहता जी वह गाला कढ़ी जाता थोड़ा, वो कहना काका कोई नहीं भी गाला तो मैनू कट रहा। अच्छा उन्होंने फिर क्या सरदार साहब उतार उन्होंने उन्होंने भजाता भी काका कोई गल नहीं गाला तो मैनू कट रहा है। सो बहुत सहज सुभा के मालिक सरदार प्रकाश सिंह बादल सन, लेकिन थले वो काम नहीं आया, वो उतों तक सीमित रह गया। इस करके अज मैं समझना अकाली दल देखो वे वे लोग अक्सर यह गल है, पता नहीं अगे की होना। मैं इवें भविखबाणी करा कि बादल साहब जिन्ना चिकर है भी बादल साहब जी ने हाथ फेर देंगे फिर वह बुक्कल च लै लेंगे वह भजदा नहीं। बहुत औखा समय आने वाले समय च मैं लगता अकाली दल से आने वाले दिन, क्योंकि बादल साहब की जफ्फी के कोई ना कोई यादू तो परिवार ना हमदर्दी है, बहुत बेहद हमदर्दी है, बेहद अफसोस है। परमात्मा बादल साहब नूं आपके चरणों में निवास बख्शे, तो पिछे परिवार को सुखबीर हरा तमाम परिवार वालों को भाना। थैंक यू अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। प्रकाश सिंह बादल का देहांत होया है तो अपनी यादा जड़िया ने उन्होंने ताज़ा कीतिया ने जो गिदड़वा की नुमाइंदगी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग करते कि प्रकाश सिंह बादल भी उतो नुमाइंदगी करते रहे, तो कोई सहनशीलता सीखने की जी उन्होंने क्या है कि सहनशीलता सीखनी चाहिए। कैमरा पर्सन जतन के नाल गगनदीप शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी जालंधर।